बाल संत श्री शाश्वत जी महाराज के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। के लिए एक दृष्टांत सुनिएगा आप सभी लोग, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, दो मित्र कहीं जा रहे हैं। रास्ते में उन मित्रों ने एक जगह थोड़ी थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम किया। आराम करते करते वो लेट गए। तभी पहले वाली मित्र की नजर गई छोटी सी बेलों पर लगे बड़े कद्दू पर और बड़े पेड़ पर लगे छोटे छोटे आम और कैरियों पर, छोटे छोटे फलों पर। तो वो दूसरे वाले से बोला, देख भाई भगवान भी बड़ा विचित्र है। कहा, क्यों? बोले, देख मैं देखता हूँ पेड़ कितना मोटा, कितना तगड़ा, कितना बड़ा है, लेकिन उस पर फल आम कैरी छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे से फल लगा दिए, बेर कैसे छोटे छोटे। और भगवान ने बेल कितनी छोटी पतली सी नाजुक सी बनाई और उस छोटी सी बेल पर फल बड़ा कद्दू जैसा लगा दिया, ऐसा बड़ा चौड़ा सा। देख भगवान से भी लगता है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कुछ बनाने। तो दूसरा वाला उसे समझाता है, देख भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, तू क्यों बीच में टांग अड़ाता है। पर पहला वाला मानने को तैयार ही नहीं है कि भगवान कुछ ऐसा कर गड़बड़ किया, नहीं किया। वो कहता है भगवान ने गड़बड़ किया, गलत किया, ये तो मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा, वो पहला वाला मित्र ऐसा कह ही रहा था, इतने में ही उसी पेड़ से एक आम टपक कर उसके सर पर गिर गया। तो वो जो आम टपक कर गिरा, उस आम से उस मित्र के सर पर इतनी बड़ी घूमड़ी निकल आई, फूल गया। तो अब वो जो दूसरा वाला मित्र था, वो उसे समझाते हुए बोला, देख लिया बेटा मैं तो पहले ही कह रहा था। अच्छा भाई तू ही बता, अगर भगवान इस पेड़ पर छोटे से आम कैरी की जगह अगर बड़ा कद्दू जैसा फल लगा देता तो आज तो तेरे सरकार का चुम्बड़ी निकल गया होता। इसीलिए भगवान जो करते अच्छा ही करते। पर एक मंत्री जी का यह हाल था, वो हमेशा ही कहते रहते भगवान ने जो किया अच्छा किया, भगवान जो करते अच्छा ही करते। तो राजा जी वैसे तो सुनते कि हाँ, तो आ जाते कहने दो। एक दिन राजा जी ने अपनी तलवार निकाली म्यान से और तलवार निकालते समय उनकी उंगली कट गई। उंगली कटते ही एकदम रक्तपात हुआ, खून बहा। तो खून को देखकर एकदम से राजा ने आवाज लगाई, अरे मुझे दर्द हो रहा है, कोई मरहम पट्टी करो। मंत्री जी ने भी आवाज लगाई, लाओ लाओ जल्दी भाई वैद्य को बुलाओ। और ये सब कहते हुए ही राजा से मंत्री जी से निकल गया मुख से, महाराज आप फिक्र मत करो, जो भी भगवान ने किया अच्छा ही किया, अच्छा ही हुआ आपकी उंगली कट गई। इतना सुनते ही राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरी उंगली कट गई और मंत्री जी कह रहे हैं भगवान ने अच्छा किया। सैनिकों पकड़ लो मंत्री जी को, जेल में डाल दो, ये मंत्री के पद पर है, इनका दिमाग खिसक गया है, कोई गड़बड़ ना कर दे इस पद पर रहते हुए, जेल में डालो, जेल में डलवा दिया। अब दो दिनों बाद मंत्री जी से मिलने गए राजा जी। क्यों भाई मंत्री जी, क्या हाल चाल है? मंत्री जी बोले, बस भगवान की कृपा है, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है स्वामी, हे नाथ। तो भगवान अच्छा ही किया है, सब कुशल से ही है। सुनते ही दिमाग खराब फिर हो गया राजा को, वही वाली लाइन जिसने उस वक्त उसको क्रोधित किया था, वही वाली पंक्ति। अब तो राजा सीधे वहां से मुख मोड़कर और चल दिया वन में शिकार खेलने के लिए। वहां पर अपने सैनिकों से बिछड़ गया और अकेला किनके पास पहुंच गया, किनके द्वारा पकड़ा गया, कुछ वनवासी आदिवासियों के द्वारा पकड़ लिया गया और उन्होंने उसे पकड़ के और अपनी निकुम्बला माता की बलि चढ़ाने के लिए सामने पेश कर दिया। अब सज्जनों, पहले तो उसको बढ़िया निलाया दुलाया, सुंदर कपड़े पहनाए, भोजन कराया बढ़िया स्वादिष्ट और बड़ा ही पौष्टिक। तब तो राजा ने कहा कि भाई अभी तो ऐसी कोई गड़बड़ नजर नहीं आती, बाद में बात कर लेंगे कि भाई आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, हमको छोड़ दो। लेकिन जैसे ये सब खिलाने पिलाने के बाद और मूर्ति के सामने सर झुकाने लगे और कहने लगे झुकाओ, और जैसे ही गर्दन पर तलवार रखी, राजा जी बोले, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? तो इतना सुनते ही वो जो पुजारी और मतलब और सब लोग थे जो पकड़ कर लाए थे, वो बोले, जैसे वो सब स्वीकार किया ये भी स्वीकार करो चुपचाप। राजा ने कहा, ये तो बहुत बुरी जगह फंस गया, अब कैसे बाहर निकले। इतने में पुजारी जी जो मूर्ति पूजा करते थे उनकी नजर गई उंगली पर, राजा की उंगली कट गई थी। तो कहा कि अरे ये राजा की तो उंगली कटी, भैया खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, छोड़ाओ इनको।
छोड़ दिया। अब राजा मन में सोचने लगे, मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर उस दिन हमारी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो हमारी गर्दन ही उड़ जाती। तो राज्य में लौटे हो, सबसे पहले मंत्री जी को ही बाहर निकल पाए। बोले बा मंत्री जी, मान गए आपकी बात, बिल्कुल सही कहते थे, भगवान ने जो किया अच्छा किया। अच्छा, भगवान ने हमारे तो प्राण बचा लिए मंत्री जी, पर भगवान ने आपके साथ क्या अच्छा किया, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आपको तो बेकार में ही 2 दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। मंत्री जी बोले, महाराज आपको पता नहीं है, भगवान ने आपसे ज्यादा हमारे साथ अच्छा किया, आपसे ज्यादा हमारा भला किया। बोले कैसे? बोले राजा जी, महाराज आप जरा सोचिए, कभी भी आज तक ऐसा हुआ है, आप कभी महल से बाहर जाओ और हमें साथ ना ले जाओ? आप जाते तो हमको भी ले जाते और सारे सैनिक बिछड़ते भले ही, लेकिन आप तो हमेशा ही हमसे कुछ ना कुछ बात करते रहते हो, हम तो कभी ना बिछड़ते। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते, और आप तो बच के निकल आते क्योंकि आपकी तो उंगली कट रही थी, और हम तो एकदम पूरे पंडित पक्के बने हुए थे, एकदम स्वस्थ थे, कहीं से कहीं तक एक खनोच तक नहीं लगी शरीर में। वो हमको पकड़ते, आपको तो छोड़ देते, और हमारे तो महाराज आप गर्दन ही कटवा जाते। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, जो आपने हमको जेल में डाल दिया, आप भी बच गए और हम भी बच गए। कहने का तात्पर्य, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।